सब्जेक्ट में वो पसंद आया और बम्बई बोल रहा है काशी जो सब्जेक्ट था उससे ज़्यादा इस बार किस सब्जेक्ट में लगा। और टाइटल तो काफ़ी सारा सोचा गया लेकिन बम्बई बोल रहा है काशी अपने आप में एक बड़ा टाइटल था, तो जो टाइटल आए तो ऑडियंस को लगे कि नहीं बम्बई बोल रहा है से बड़ा टाइटल है और कहानी को जस्टिफाई करे, तो हम लोग एक निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाए तो सिर्फ प्रोडक्शन नंबर 2 और टाइटल जैसे हम सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद अनाउंसमेंट कर देंगे। क्या सवाल क्या है कि फिल्म का क्या नाम होगा? ऑलमोस्ट हम लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है क्या फिल्म होना, उसका नाम हम रजिस्टर करने को भी डाल दिए, पर जब तक वो हमें वहाँ से यश नहीं आता हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन जितना बढ़िया हमारी पिछली फिल्म का नाम था बम बम बोल रहा है काशी, उसके बराबर का तो ज़रूर है, उससे बेहतर अगर नहीं है तो उसके बराबर का ही नाम है, नाम से ही धमाका वहीं से शुरू है। तो समझिए आज मुहूर्त है, गाने से हम लोग शुरुआत तो कर ही दिए हैं, स्क्रिप्ट पे काम होगा, म्यूजिक पे काम होगा और लगभग हम इसका शूटिंग जो करेंगे वो जनवरी फरवरी के आसपास करेंगे और रिलीज अगले साल। जैसा कि हम देख रहे हैं कि फिल्म में तो पोस्टर में जो हमें निरहुआ जी दिखाई देते हैं, ऑफकोर्स ये इस फिल्म में होंगे, करेक्ट? हाँ। तो फिल्म की क्या स्क्रिप्ट होगी? और इसका स्क्रिप्ट जो है थोड़ा एक अलग हटके इसलिए है कि हमें कैसे मुद्दे को छूने जा रहे हैं कि सिनेमा के माध्यम से हमारा भी फर्ज बनता है कि हम समाज को जागरूक करें, न कि हम मनोरंजन देते हुए। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं स्वच्छ भारत आज हर जगह, तो हम सिनेमा के माध्यम से ही जो हमारे ऑडियंस हैं उनको जागरूक करना चाहते हैं कि हम भी एक साथ चलें और स्वच्छ भारत की तरफ बढ़ें। स्क्रिप्ट को फाइनल वही करती हैं, तो मतलब इस स्क्रिप्ट को लेकर उन्होंने अभी तो स्क्रिप्ट पे बैठे हुए हैं पर सिनॉप्सिस को फाइनल किया उन्होंने। और मधु जी आप भोजपुरी फिल्में कितने देखती हैं और अगर आप बता सकें? जब अच्छी फिल्म होते थे तब हम देखते थे, अब हमारी खुद की फिल्म हम देखेंगे, आपको भी देखने को बोलूँगी। एक टाइम था जब भोजपुरी इतने अच्छे फिल्म बनते थे, इतनी अच्छी कहानियाँ थी जब हम वहाँ रहते थे तब, अब तो वो बीच में कुछ स्लंप सा हो गया था, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे ज़रिए फिर भोजपुरी का वही पुराना गौरव, वही पुराने जैसे शान वापस आए। हिंदी सिनेमा में भी वेंचर करेंगे? जी हाँ हिंदी में भी आएंगे। कब तक? अगले साल गॉड विलिंग। और मैडम जैसा कि ये स्वच्छ भारत पे टॉपिक भी है तो और यहाँ पे लिखा है कि आप करें या ना करें हम चलें, तो हम ऐसा माने कि इस फिल्म में भी ऐसे कोई स्वच्छ भारत के टॉपिक को लेकर स्टार्ट करेंगे? क्योंकि प्रियंका सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं है उसके ऊपर और सिर्फ ये मुद्दे वाली कहानी भी नहीं है, पर हम अपने फिल्म के ज़रिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दिखाएंगे कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ये अवेयरनेस क्रिएट करें, क्योंकि फिल्म ही एक ऐसा माध्यम है जो सबसे सहज तरीके से सबके पास पहुंच जाता है, और जो अनपढ़ हो पढ़े हो उनको हमारी भाषा दिनेश लाल जी बोलेंगे तो एकदम से समझ आ जाएगा। तो हम इसको एक माध्यम ज़रूर बनाए हैं कि हम अच्छे फिल्म मनोरंजन कहानी सब के साथ साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें। मधु जी बात करें प्रियंका का, तो प्रियंका ने कुछ ऑब्जेक्शन लिया था इस फिल्म को बम बम बोल रहा है काशी को लेकर, उसमें उन्होंने कहा था कि कुछ वल्गर सीन किए गए थे जिससे मैं काफी नाराज थी, तो प्रियंका ने कहा था? जी कहां तक बातें? किसको कहा था? ऐसी खबरें आ रही थी, आप लोग खबर बनाने वाले खबर कुछ भी गढ़ दें। प्रियंका ने कभी जुबान से नहीं बोला, उनकी ओके के बाद फिल्म निकले बाहर, सेंसर तो पास कर दी, प्रियंका ने पास कर दिया, लिखने वाले को जो मर्जी लिखे, आप अगर देखे हो फिल्म आप खुद बताइए हिंदी फिल्मों से कम है क्या? नहीं, हमारी फिल्में वल्गर नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं। अच्छा मधु जी, हमने देखा कि क्वांटिको के बाद अब प्रियंका जी की बेवॉच भी आ रही है, तो आप इस फिल्म को लेकर कितनी एक्साइटेड हैं? बेवॉच को लेकर हाँ ठीक है, एक्साइटेड क्या होना, जैसे फिल्म है वैसी फिल्म जी, तो मतलब यहाँ इतना अच्छा काम करती हैं उससे हम ज़्यादा एक्साइटेड होते, हॉलीवुड में जाके चाहे जो तरंगा झड़ाए फहराए उससे तो खैर अच्छा लगता ही है, पर ये नहीं मैं कहूँगी कि हम बड़े एक्साइटेड हैं। और द रॉक जो कि उस फिल्म के हीरो हैं, तो आप चाहेंगे कि वो भी हिंदुस्तान में आए और बिल्कुल फिल्म को प्रमोट करें? बिल्कुल, हम तो उल्टी गंगा बहाना चाह रहे हैं,
बिल्कुल वही हम चाह रहे हैं कि ये नहीं कि हम यहाँ से एक्सपोर्ट करें, हम चाह रहे हैं वहाँ से इम्पोर्ट आए। अच्छा, आपके लिए कितना प्राउड मोमेंट है कि प्रियंका इंटरनेशनल स्टार बनी, और क्या सोचा था कभी कि इतने लेवल पे प्रियंका चोपड़ा जाएगी? ये तो आप लोग बताएंगे हमको कि प्रियंका को आप समझते हैं कि नहीं इस लायक। हम लोग तो बहुत कम पढ़ते हैं यहाँ के मीडिया में, जो हम वहाँ की मीडिया में पढ़ते हैं उनके अच्छे काम के बारे, उनके किरदार के बारे में, वो मैं यहाँ कम पढ़ती हूँ। पर मुझे लगता है कि हमारे साथ आपको भी फ़ख्र होना चाहिए कि उन्होंने भारत को इतना अच्छा से छाप दिया वहाँ पे। संतोष जी क्या कहना चाहेंगे? आप जवाबदारी काफ़ी बड़ी है, और कहते हैं जवाबदारी का बोझ जब कंधे पे पड़ता है तो अक्सर बचपन याद आ जाता है, तो इस कहानी को लेके, स्वच्छ भारत को लेके, प्रियंका चोपड़ा को लेके, मनोज जी को लेके कितनी जवाबदारी आप समझते हैं, और इस फिल्म का अगर कहानी की बात करें तो क्या दो लाइन क्या कहानी होगा? देखिए, जब कोई फिल्म बनाने के लिए पहले अगर अच्छी कंपनी मिल जाए तो मुद्दा कोई भी हो, आदमी बेहतर सिनेमा बनाने में आगे बढ़ जाता है। और पहले बार मधु मैम और कंपनी के साथ काम करते हुए हर चीज़ मुहैया कराएगा, और बहुत अच्छे से एक सिनेमा बना के हम लोग निकल गए। उसके बाद उससे बेहतर सब्जेक्ट मैंने मैम को सुनाया, और सुनते ही मैम बोली कि नहीं, पिक्चर को बनाना है। और तो मुझे लगा कि भाई कि कंपनी बनाएगी तो हर सहूलियत चीज़ मिलेगा और हम बेहतर सिनेमा बना लेंगे। आप समझते हैं भोजपुरी सिनेमा अभी भी काफ़ी पीछे दूसरे रीजनल सिनेमा के मुकाबले, जैसे मराठी हो गया, पंजाबी हो गया, बंगाली हो गया, कहा जाता है कि भोजपुरी सिनेमा में ज़्यादा अश्लीलता दिखाई जाती है, इसका आप क्या कहते हैं? देखिए, ये तो कहने के लिए ना बहुत कुछ कहा जाता है, और जहाँ तक देखेंगे ना तो भोजपुरी हम आए भी पीछे हैं, हमारा उम्र मराठी सिनेमा से छोटा है। जिस हिसाब से हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो और जितने रीजनल में हैं वो सब इंडस्ट्री हमारे इंडस्ट्री से पहले आई, और हम उसके बाद में आके धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर करते हुए अगर बराबरी में नहीं है ना छुएंगे और आगे निकलेंगे, और जिस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं और ऑडियंस हमारा रिस्पॉन्स कर रही है, उस हिसाब से एक टाइम आएगा कि हम उस लेवल में खड़े होंगे। फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ऐसी क्या वजह है कि भोजपुरी सिनेमा में सैराट जैसी फिल्में नहीं हो पा रही, कहानी उतनी दमदार नहीं हो पा रही, आपके हिसाब से क्या लगता है? नहीं देखिए, कहानी दमदार होती है, थोड़ा सा हमारा समस्या क्या है कि हमारा सिंगल स्क्रीन बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, उसके कंडीशन ऐसे नहीं है कि अगर हम सैराट जैसा सिनेमा देख सोचें और उस ऑडियंस बस परोसे और ऑडियंस समझे, तो हमको पता है कि हम किस ऑडियंस के लिए कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, और एक बेहतर जैसे इसी थॉट को हम लेके चल रहे हैं, तो उस पब्लिक को समझाना, फिर हम उनके भाषा में उस चीज़ को समझाते हैं और उनका मनोरंजन कराते हुए, और जो भी फिल्में हैं उससे थोड़ा अलग हटने के लिए हम एक बेहतर रास्ता बना के आगे बढ़ रहे हैं, जिसका रिस्पॉन्स मिलता है तो हम बेहतर चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी सिनेमा से आप जुड़े हुए हैं, और प्रियंका चोपड़ा जैसी भी प्रख्यात अगर एक्ट्रेस जुड़ती है भोजपुरी सिनेमा को प्रमोट करके, तो आपके लिए कितना खास हो जाता है? ये हमारे और पूरे भोजपुरी समाज के लिए बहुत सम्मान का बात था जब प्रियंका चोपड़ा जी मधुमेह तो भोजपुरी बनाने का जब हमारे पास आया तो हम खुद लगा कि नहीं, अब हमको बेहतर कुछ करने के रास्ते मिलेंगे, और बेहतर करने के लिए आगे बढ़े तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है पूरे भोजपुरी समाज के। आपको लगता है सपोर्ट की और भी ज़्यादा ज़रूरत है पूरी इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से, हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से? बिल्कुल, जैसे अभी जिस हिसाब से चर्चा हो रहा है और हर लोग भोजपुरी का पहले जो दृष्टिकोण रखते थे, अब थोड़ा थोड़ा बदलाव तो अचानक नहीं बदलेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि बदलाव होना शुरू हो जाएगा। आपको नहीं लगता एक ही तरीके की फिल्म बनाई जाती है, मतलब हमेशा वही एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार उठाया जाता है? कौन सा कॉन्सेप्ट? हिंदी फिल्म में कौन सा ऐसा नहीं होता क्या? सैराट एक अजूबा अपने आप में था। आप सैराट देखे थे? कैसा लगा था आपको? क्या वो महाराष्ट्र में ऐसा होता है? नहीं, आंध्रा की तरफ होता है, महाराष्ट्र में नहीं होता है। लेकिन उसको जो डायरेक्टर थे उनका विजन, वो महाराष्ट्र में इतना सुंदर से सेट किए और प्लस मार्केटिंग इतना बढ़िया किए कि महाराष्ट्रियंस को लगा कि हाँ, हमारी बीच की कहानी हो सकती है,
लेकिन ये महाराष्ट्र में नहीं देखा जाता। महाराष्ट्र के लोग बहुत फॉरवर्ड हैं, बहुत दिमाग से तेज हैं, इतना रूढ़ीवाद इतने पुराने ख्याल के नहीं है, बहुत कम है। बैकवर्ड इलाकों में है ऐसा नहीं, इतना रिचुअल वाइज इवन यूपी में इस तरह हाँ वो सब जगह में है, महाराष्ट्र के लिए नहीं बोल सकते। लेकिन सैरट चला क्यों? और सैरट अपने आप में एक है, ऐसा एग्जाम्पल आप हमारे फिल्म के साथ नहीं दे सकते। हम कहाँ से उठने की कोशिश करें, इसमें हम लोग को आपका सहयोग ज़रूर चाहिए कि आप हमारी आवाज़ उन लोगों तक पहुँचाएँ जो ऐसे अच्छी फिल्म को अप्रिशिएट करें। अभी तक फैमिलीज़ नहीं आती थी पिक्चर्स देखने, अब मैं चाहती हूँ कि फैमिलीज आए थिएटर में पिक्चर देखें, तो हम ऐसी फिल्म दें तो आएंगे। हमारी कोशिश वही है कि फिल्म का क्वालिटी भी अच्छा हो, प्रोडक्शन भी अच्छा हो, स्टोरी तो बहुत ही अच्छा होगा, और ऑफकोर्स थोड़ा सा स्पाइसेस तो होनी चाहिए, पर गंदगी या वल्गैरिटी नहीं। आशा करने में क्या हर्ज है, फाइनली हमारी उम्मीद तो वही है कि हम वैसे क्राउड के लिए भी फिल्म बनाएं जो नॉट जस्ट बिहारी देखें, बाकी नॉन बिहारी नॉन भोजपुरी स्पीकिंग लोग भी देखें, जैसे सैराट नॉन महाराष्ट्रंस भी देखें, नॉन मराठी स्पीकिंग लोग भी देखें। फिल्म का क्वालिटी इतना अच्छा था तो हम लोग भी वहाँ पहुँचेंगे, कोशिश है। मधु जी, एज ए प्रोड्यूसर कहते हैं प्रोड्यूसर उम्र से बूढ़ा नहीं होता है, पैसे बांट बांट के बूढ़ा हो जाता है, तो हाँ अभी तो पहला ही कदम है, अरे वो वहाँ तक पहुँचे नहीं है, देखते हैं। संतोष जी, निरहुआ दिनेश लाल के अलावा कौन कौन इसमें नज़र आने वाले हैं? अभी कास्टिंग इसलिए नहीं बता पाएंगे क्योंकि पूरा स्क्रिप्ट हमारा कंप्लीट नहीं, और जैसे होगा ना वैसे कास्टिंग लिस्ट निकलेगा, फिर किसको किसको रखना है उस ढंग से करेंगे। फिलहाल दिनेश जी, आज हम लोग म्यूज़िक रिकॉर्डिंग से स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला गाना के साथ में, उसके साथ हम आज का मुहूर्त ब्रेक कर लें। इसके बाद जब हमारा स्क्रिप्टिंग कंप्लीट होगा फिर हम बड़े लैविश और ग्रैंड स्टाइल से अनाउंस करेंगे पूरे कास्ट के साथ, और ऑफकोर्स भोजपुरी के नामी गिरामी आर्टिस्ट होंगे हमारे साथ, हमारे साथ जो पहले रह चुके हैं उनमें से कई मिलेंगे आपको इसमें, और दिनेश लाल जी हमारे स्टेपल हैं ही, मतलब उन्हीं को लेके हम बना रहे हैं फिल्म, उनके इर्द गिर्द ही ये कहानी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है इस दफ़ा। जी जी, गाने की बात करें तो क्या कौन म्यूजिक डायरेक्टर है और कितने गाने आज रिकॉर्ड हो रहे हैं? मधुकरान जी इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और ऑडियो में टोटल 10 गाने होंगे और फिल्म के अंदर 7 होंगे। तो कोई न्यू हो गाना कितना गाएंगे उसके बारे में? देखिए एक दो गाने तो निरहुआ जी गाएंगे ही, बाकी और के जो अच्छे सिंगर वो लोग आएंगे। अच्छा मधु जी, एक आखिरी सवाल कि आपने खुद कहा कि हिंदी फिल्में भी आपके इस प्रोडक्शन में देखने को मिलेंगी, तो आपकी प्रियंका जी से कभी इस तरह की बातें होती हैं कि वो इस खुद प्रोडक्शन में आके एक्टिंग करेंगे या भोजपुरी फिल्म में कभी उनकी ऐसी कुछ प्लान है या आपसे? उन्होंने पिछले साल भी यही इंटरव्यू में दिया था ना कि अगर अच्छा स्क्रिप्ट मुझे मिले तो मैं ज़रूर भोजपुरी भी करूँगी, मतलब उनका कहना है कि आर्टिस्ट को आप सीमा में बांध के नहीं रख सकते, स्क्रिप्ट अच्छा हो तो किसी रीजन किसी कंट्री किसी लैंग्वेज में आर्टिस्ट जाके कर सकता है काम, कहीं आप सीमित नहीं कर सकते, बांध के नहीं रख सकते। तो प्रियंका का यही मानना है कि तो भोजपुरी में अच्छा स्क्रिप्ट देंगे अगर संतोष जी तो करेंगे। संतोष जी, ऐसी कोई स्क्रिप्ट रेडी है आपकी प्रियंका के लिए, क्योंकि वो खुद रेडी है, उनकी मामा सभी कोई रेडी है कि कोई ऐसी अगर स्क्रिप्ट मिलेगी तो हम काम डेफिनेटली करेंगे, आर्टिस्ट को अपनी सीमा में नहीं बांध सकते? उसके लिए तो काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा है ना, और जब देखूंगा कि मेहनत सार्थक हो रहा है तो सोचा जाएगा, और वो भी होगा तो बहुत सौभाग्य की बात। अभी भोजपुरी ऑडियंस आपको लगता है कि तैयार है ऐसे फिल्मों के लिए है ना, तो थोड़ा हम लोग भी देखें उनका मानसिकता चेंज करें, उनकी विचारधारा चेंज करें, अच्छे लोग भी फिल्म दें, अच्छे पूरे की बात नहीं है, उनका पसंद टेस्ट हम चेंज करें, मजबूरी में चाहे कुछ भी देखना पड़ जाए हम उनको अच्छा चीज़ देंगे तो अच्छी चीज़ देखेंगे, फिर प्रियंका जरूर आएंगे। मैडम, संतोष भैया नमस्कार, खुशी लग रहा है कि आप दूसरे प्रोडक्शन और वो भी भोजपुरी, आपका लगाव अधिक रहा है और रहेगा और आशीर्वाद प्यार भी रहेगा, सभी लोग हैं आपका और संतोष भैया का जो लगाव और जो मिल के भोजपुरी को जो आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं तो इससे आप काफ़ी उत्साहित भी हैं, इसको जैसे भोजपुरी में आपका लगाव है और भोजपुरी को आगे आप बढ़ाएंगे तो इसको भोजपुरी में आप कैसे व्यक्त कर पाएंगे, भोजपुरी में बोल के कि आई एम सो हैप्पी, इसको भोजपुरी में थोड़ा सा बोल के एक दो लाइन
जो संतोष भैया के साथ आपका जो संतोष जी से हम स्क्रिप्टिंग करवा लेते हैं। वैसे एक टाइम था जब हमारे घर में तो सब भोजपुरी ही बोलते हैं, जब हम वहाँ रहते थे तो हम बोलते ही थे, पर अब यहाँ जब से हम फौज में आ गए और निकल गए बाहर, लेकिन एक तो बोलने का। हाँ तो संतोष जी सिखा दीजिए। भोजपुरी बनाए और अच्छा भोजपुरी सिनेमा बनाओ तो नहीं, आई एम वेरी हैप्पी बोल रहे हैं ना कह रहे हैं, उसका अनुवाद बताइए। बहुत खुश बानी भोजपुरी सिनेमा बना के, भोजपुरी सिनेमा बना के हम खूब ही खुश बानी, बहुत ही खुश बानी। बहुत बड़ा सौभाग्य है, सौभाग्य है हमारा। पहली फिल्म में भी मुझे मौका मिला था और बहुत अच्छी फिल्म बनी थी, मधु मैम ने इतनी अच्छी फिल्म बनाई थी और इन्होंने पूरी छूट दिया था कि आप लोग अच्छी फिल्म बनाएं, कहानी इनको बहुत पसंद आई थी और संतोष जी ने इतनी अच्छी फिल्म बनाई थी, जहाँ भी लोगों ने देखा सब ने सराहा और फिर से एक और मौका मिला हमें इस प्रोडक्शन में काम करने का, तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि अगर एक बार तो गलती से किसी को भी काम मिल सकता है, अगर दोबारा मिल रहा है इसका मतलब ज़रूर ये भी हमारे काम से, संतोष जी के काम से और पूरी टीम के काम से मधु मैम को भी संतुष्टि हुई है। इस बार जो सब्जेक्ट संतोष जी ने उठाया है वो निश्चित रूप से इसके पहले कभी भोजपुरी सिनेमा में किसी ने सोचा नहीं था कि एक सोशल मैसेज पे हम पूरी फिल्म बनाएंगे, जो सिर्फ मनोरंजन नहीं, मनोरंजन तो होगा ही, फिल्म है तो मनोरंजन होगा, पर मनोरंजन के साथ एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, स्वच्छ भारत आप करें या ना करें हम करके रहेंगे। तो उसमें बहुत सारी चीज़ हैं, मात्र स्वच्छ भारत में हम बाहरी सफाई नहीं, अपनी भी शुद्धि और अपनी भी सफाई करनी है उसमें। तो एक बड़ा अच्छा मैसेज के साथ ये फिल्म शुरू हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म बनने के बाद आप सब लोग सराहना करेंगे, आप सब लोग सराहेंगे मधु मैम के इस सराहनीय कदम को। इस फिल्म में किरदार एक आम आदमी का है और जब संतोष जी ने मुझे ये स्टोरी सुनाया था तो मैं इनसे सहमत हो गया तुरंत, क्योंकि जो लोग पूंजीपति होते हैं, जिनके पास बहुत पैसे हैं, बहुत साधन है, वो थोड़े से लाभ के लिए बहुत लोगों का नुकसान कर सकते हैं, कोई ऐसा व्यवसाय, ऐसा धंधा, ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जिसमें उनका थोड़ा सा लाभ हो रहा है पर उससे पूरे लोग जो हैं प्रभावित हो रहे हैं, उससे लोगों का नुकसान हो रहा है। पर एक आम आदमी जो होता है वो किसी भी लोभ या लालच में पड़ के
कोई ऐसा कदम नहीं उठाता है, कोई ऐसा काम नहीं करता है जिससे कि पूरा देश या पूरी पूरे समाज को उसका नुकसान उठाना पड़े। तो एक ऐसे ही युवक की कहानी है जो पूंजीपतियों से जब टकराता है सिर्फ इस बात के लिए कि वो लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा इस्तेमाल किया जाए इसको कि उससे उनका लाभ हो, भले समाज में जो है लोगों को हानि पहुंचे, पर उसके लिए वो तैयार होता भी नहीं है और साथ में इस बात के लिए भी अड़ जाता है कि मैं तो करूंगा नहीं पर आप लोगों को भी ये नहीं करने दूंगा, क्योंकि सबसे ऊपर हमारा देश है, हमारा समाज है, हमारे लोग हैं और एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम कोई ऐसा भी कदम ना उठाएं जिससे कि पूरे समाज को क्षति हो। एक बड़ी अच्छी प्यारी सोशल मैसेज के साथ ये फिल्म बनने जा रही है। दिनेश जी, भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत एक छोटा सा परिवार था, आज इतना बड़ा परिवार हो गया है, कितना खुशी महसूस होता है इस बात की? बहुत खुशी है और मैं कहना चाहूँगा कि ये इतना बड़ा इसलिए हो पाया है कि जो इस मिट्टी में पैदा हुए लोग हैं और इस मिट्टी में पैदा होने के बाद समाज में बहुत ऊंचा स्थान मिला है और बहुत नाम करने के बाद भी उनको अपनी मिट्टी, अपने लोग, अपनी भाषा याद है। जैसे मधु मैम है, ये गर्व के साथ कहती हैं कि मैं जो है, आइए आइए भैया आइए प्लीज मैम प्लीज मैम जी। तो मधु मैम बड़े गर्व से कहती हैं कि वो भोजपुरी भाषी हैं, भोजपुरी में उनका जन्म हुआ है और इस भाषा के लिए वो जितना हो सकेगा करेंगी और उन्होंने ये करके दिखाया है। तो निश्चित रूप से आज अगर भोजपुरी सिनेमा इस पैमाने पे पहुंचा है, इस बुलंदी पे पहुंचा है, तो ऐसी महान हस्तियों की देन है और इसके लिए हम मधु मैम को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। विनय जी, अगर बात करें आम्रपाली और आपकी जोड़ी को बहुत दर्शक पसंद कर रहे हैं, तो क्या इस फिल्म में भी आम्रपाली ही नजर आएंगे? निश्चित रूप से, वो तो मधु मैम के हाथ में है कि वो क्या डिसाइड करती है। चलती है नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि हिट जोड़ी हर कोई पसंद करता है, हर कोई चाहता है कि जो मुश्किल से कोई जोड़ी हिट होती है कभी कभी, और जब कोई जोड़ी हिट हो जाती है तो वो दर्शक भी पसंद करते हैं और निर्माता भी पसंद करते हैं, पर ये फाइनल जो डिसीजन है वो निश्चित रूप से निर्माता का ही होता है। निर्माता जहाँ कंफर्टेबल हो वही होगा। और वैसे मधु मैम जो हैं वो मुझसे ज़्यादा आम्रपाली जी को प्यार करती हैं तो हाँ, मुझे उससे उभरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो नाम जो है मुझे दर्शकों ने दिया है, मेरे बाप माँ बाप ने जो नाम रखा था और जिस पहचान को लेके मैं पढ़ लिख के और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसमें उछाल तभी आया जब दर्शकों ने मुझे ये नाम दिया निरहुआ। वो मुझे निरहुआ नाम से बुलाने लगे। पहले मुझे भी अटपटा लगता था कि मैं दिनेश हूँ, मुझे निरहुआ क्यों कहते हैं लोग, पर कुछ दिनों बाद मुझे ऐसा लगा कि ये प्यार से जो नाम इन्होंने दिया है उसे मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, तो मैंने वो एक्सेप्ट किया और उस नाम से ही मेरी पहचान बनी, तो मुझे उससे उभरने की ज़रूरत नहीं। रवि जी, आप इस फिल्म का पार्ट हैं, करेक्ट? जी जी इस फिल्म का हिस्सा है, जी। तो जाना चाहेंगे कुछ प्रकाश जारी इस फिल्म पर? ये प्रकाश यही डालेंगे कि सबसे बड़ा प्रकाश बगल में बैठे हैं तो इससे बड़ा प्रकाश क्यों नहीं। अगर इन्होंने दोबारा सोचा है भोजपुरी सिनेमा को उत्थान देने के लिए और कुछ सोचा है और उसमें हम दोनों को जोड़ने के लिए, तो ये पूरा साधुवाद इनको जाता है। बहुत कुछ अच्छी कहानी हाथ लगी और संतोष भाई जैसे, इनको मैं पंडित जी कहता हूँ, पंडित जी ने सोचा हम दोनों को बहुत, हम लोगों ने जब भी सिनेमा किया वो बहुत ही वो सिनेमा बड़ा पॉपुलर रहा और इसके बाद ये कहानी सुनी और कल रात को मैंने कहानी सुनी ऑनलाइन, बहुत बहुत ही शानदार कहानी। और उसके लिए मधु जी, सुधा जी हैं,
सुधा जी को मैं धन्यवाद दूंगा। बहुत वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड कि मैं और दिनेश बाबू साथ में वी आर गोइंग टू कम टुगेदर। बहुत अच्छा। रवि जी, बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो सुनने में आ रहा है सौदागर फिल्म से प्रेरित है, आप राजकुमार हैं और ये दिलीप कुमार हैं, ऐसा अभी बहुत कुछ है, एक बार बताएं कुछ भी बना लेंगे ये। लेकिन ये आनंद यही है कि बेस्ट पार्ट है कि इस टाइम हम लोगों ने सोचा है कि किसी को एडिटिंग में नहीं जाने देंगे, किसी को बताएंगे नहीं हम लोग शूटिंग पे क्या हो रहा है क्या एग्जैक्टली, तो ये बहुत ही छिपा हुआ खेल होगा। कई सालों के बाद हम दोनों साथ में आ रहे हैं तो एक बहुत बड़ा एक्साइटमेंट होगा फैंस के लिए, इंडस्ट्री के लिए, दोस्तों के लिए और समस्त हिंदुस्तान के लिए कि दिनेश और रवि साथ आ रहे हैं और संतोष मिश्रा इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, मैम इसको प्रोड्यूस कर रही हैं और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही आज इससे बड़ा खुशी का दिन, रक्षाबंधन के दिन एक 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 सेलिब्रेशन मैं इसको समझता हूँ। इट्स अ वेरी बिग डे। फिल्म इंडस्ट्री से लोग आते हैं और खासतौर पर प्रियंका चोपड़ा जी विश्व प्रख्यात है, वो भोजपुरी सिनेमा को प्रमोट करती है, आपके लिए कितना खास हो जाता है? हम लोगों के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। पहले दिलीप साहब आए थे, दिलीप साहब ने हमारे साथ फिल्म बनाई, जी पी सिप्पी साहब आए, अमित जी ज्वाइन किए और उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप आ गया और फिर प्रियंका चोपड़ा जी आना उनके लिए, और वो इंटरनेशनल फेम, शी सच अ पावरफुल और इतनी उम्दा कलाकार हैं, उन्होंने अपना भोजपुरी प्रेम दिखाया बिकॉज आप शी वॉज बॉर्न इन जमशेदपुर, तो वो एक अपना भोजपुरी टच उन्होंने रखा। वो चाहती बॉलीवुड कर सकती, तेलुगू बनाए, मराठी बना सके, बहुत सारा सिनेमा, हम लोगों पर उनका एक बहुत बड़ा एक फेवर कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा एहसान है कि इस इंडस्ट्री को लाइमलाइट में रखें जिसको एक बहुत ही छोटी इंडस्ट्री बहुत ओछी नज़र से देखा जाता है। तो मैम आपके आने से लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली इट्स बीन वॉच्ड बाय एवरीबॉडी, इट्स बीन टॉक्ड बाय एवरीबॉडी और थैंक यू आपको, जितना आपको हम धन्यवाद दें, थैंक यू सो मच। एंड आई मस्ट से थैंक यू सुधा जी ऑल्सो, शी इज़ माई दीदी एंड शी ऑलवेज वॉन्टेड कि हम और दिनेश बाबू साथ आएँ, एंड पंडित जी थैंक यू, आपको भी धन्यवाद। अफकोर्स यस, अमित जी अगर उनके पास कोई बढ़िया कहानी चले जाएँ और वो इतने बहुत बिजी रहते हैं, वो ज़रूर करेंगे और वाई नॉट, वो ही इज़ ऑलवेज रेडी, जहाँ भी यूपी की बात आए, भोजपुरी की बात आए, जहाँ पे भी इस भाषा की बात आए, इवन अभिषेक बाबू हम लोग रावण फिल्म करते थे जब साथ में, तो अक्सर वो भोजपुरी के बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। दे आर वेरी प्राउड भोजपुरी पीपल, इन लोगों को बड़ा गर्व है कि ये लोग उस माटी से बिलोंग करते हैं और ये बहुत ही फ़ख्र की बात है कि हम लोग उस माटी से बिलोंग करते हैं और उसको बोलने में या उसमें उससे जुड़ने में हम लोगों को ज़रा भी शर्म नहीं। अभी सोचिए प्रियंका मैम, शी इज़ हाउस होल्ड नेम, न्यूयॉर्क में आप जाएँ, अमेरिका में जाएँ, यूरोप में जाएँ, एवरीवेयर इन अमेरिका जाएँ, हर बेडरूम में, हर घर में वाइट लोगों के बीच में उनकी चर्चा होती है और वो एक भोजपुरी फिल्म बना रहे हैं, कितना बड़ा कॉम्बिनेशन है। सो इट्स अ फैंटास्टिक थिंग, मतलब इससे अमेजिंग कुछ नहीं हो सकता। इट्स अ ग्रेट डे एंड मैं ये पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ कि ये इतना अच्छा मौका मिला और थैंक यू मैम कि इंडस्ट्री को आप एक बहुत बड़ा बूस्टर दे रही हैं। भोजपुरी के साथ शर्म शब्द को यूज ही नहीं करना चाहिए, आप माइंड ना करें। नो नो, बट दे आर पीपल, दे थिंक। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, मैं तो बे वॉच का फेवरेट रहा बिकॉज बहुत हॉट हॉट बॉडीज देखने को मिलती थी सबकी, सिक्स पैक एट पैक्स वो टाइम पे, और यू नो बहुत ही जो नेचुरल है, बहुत कमाल की कहानियाँ होती थी और हमेशा वो बीच से जुड़ी हुई, तो बहुत एक्साइटेड है वो पूरा कंट्री और अभी ज़्यादा बिकॉज प्रियंका मैम है, तो आप सब लोग और ज़्यादा उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि शी इज़ कमिंग इन नेगेटिव शेड्स एंड वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि कितना बढ़िया परफॉर्म करेंगी। देखिए इसके पहले तो मैंने नहीं देखा था पर निश्चित रूप से हम लोग जो हैं वो प्रियंका मैम के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो अब तो हमें देखना ही है और उनकी कोई फिल्म हम नहीं छोड़ते, सारी फिल्में देखते हैं, तो बे वॉच के लिए भी हम लोग एकदम से बेसब्री से इंतज़ार है कि उसे हम देखेंगे। दिनेश जी, एक आपकी फिल्म अभी अभी रिलीज हुई राम लखन जी, जो दर्शकों ने बहुत सराहा और एक अलग हटके फिल्म थी, पारिवारिक फिल्म थी जी, जिसको दर्शकों ने सर्टिफिकेट दिया कि आप अच्छी फिल्म भी बना सकते हैं जी, तो क्या ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? जी बिल्कुल जारी रहेगा। और क्या कहना चाहेंगे उन दर्शकों को जिन्होंने इतना आशीर्वाद दिया? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको, और एक नायक होने के नाते मैंने ये अपना जो प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था वो इसीलिए किया था कि
कि मैं किसी और को दोष नहीं देना चाहता था कि भोजपुरी में जो फिल्में बननी चाहिए वो नहीं बन रही हैं, कोई नहीं बना रहा है। कोई नहीं बना रहा है तो कोई बात नहीं, हम बनाएंगे, और यही सोच के हमने शुरुआत किया था। और जो भी फिल्में मैंने बनाई, औलाद, प्रेम के रोग भैल या अभी राम लखन, उसको खूब लोगों ने सराहा। और ऐसी पारिवारिक फिल्में बनती रहनी चाहिए, और कोई बनाए ना बनाए, मैं तो बनाता रहूँगा। ऑफकोर्स यस, इन्होंने बहुत सारी ऐसी फिल्में की, परिवार की थी इन्होंने, ऐसी फिल्में हम लोगों ने विधाता की थी, हम लोगों ने ये अटेम्प्ट बहुत सालों से किया। बट होता क्या है कि एकाध दो फिल्मों को लेके ही पूरे भोजपुरी सिनेमा की छवि को लेके, वैसे हमने विदाई फिल्म की थी, कन्यादान की थी, ऐसे बहुत सारे अटेम्प्ट पास्ट में भी किए हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार भी हमारी फिल्म का वही गौना हमारे को भारत सरकार से 2 नेशनल अवार्ड भी मिला था। बट वो क्या, वो एकाध कोई फिल्म आने से सब लोग पकड़ के भोजपुरी को पटक के मारने लगते हैं। हालांकि आतंक मचा है सारी इंडस्ट्री में, हम तो बहुत सारी इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम तेलुगु भी करते हैं, हम कन्नड़ा भी करते हैं, बहुत सारा हंगामा वहाँ पे भी है, बहुत सारे हॉट गाने वहाँ पे भी हैं, लेकिन जहाँ मिला भोजपुरी मारो पटक के, यार कहाँ रे कहाँ बनो ले तू। लेकिन हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई, और मैं बहुत सारे जर्नलिस्ट भाइयों से पूछता हूँ कि भैया अच्छा एक बार बताइए आपने आखिरी फिल्म कौन सी देखी थी, तो बहुत कम लोगों को ने फिल्में ही देखी नहीं फिल्में, और सवाल लेके हमेशा एकदम तीर लेके आज ही मार देंगे जान से टाइप सब तैयार रहते। हम बोले अच्छा भैया कौन पिक्चर आखिरी में देख ले रहा यह बता दा, तो वो ज्ञान है ही नहीं। खैर चलिए एक लंबी बात है ये, है ना यार। लेकिन सर रवि जी, कितना चैलेंजिंग रहेगा लोगों का माइंडसेट बदलने के लिए? सी देखिए, उसके लिए उस जिस दिन बिहार सरकार, यूपी सरकार मल्टीप्लेक्स में महाराष्ट्र की तरह कंपलसरी कर देगी, उस दिन हमारा सिनेमा सैराट की तरह बढ़ जाएगा, जहां पे हम लोगों को आवक होगी। जिस दिन सिनेमा हॉल में एयर कंडीशन होंगे, वहां चूहे ना घूमते हों सीटों के नीचे, खीले ना निकले हों कुर्सियों पर, मैं तो धन्यवाद दूंगा कि हम लोग, भगवान है हमारी ऑडियंस, कि ऐसे में भी फटे हुए स्पीकर के साथ भी बैठ के सिनेमा देखती हैं, शर्ट निकाल के हवा मारते रहते हैं, सिर्फ भोजपुरी प्रेम में, हमारे भोजपुरिया स्टारों के प्रेम में, उस बोली के प्रेम में। बट वहाँ पे बिहार, आप लोग हैं, आप लोग सब कुछ करवाते हैं, आप लोग सरकार बदलवा दे तो आप लोग बहुत शक्तिशाली लोग हो। बिहार यूपी सरकार महाराष्ट्र में जैसे कर दिया, अगर वैसे कर दे कि कंपलसरी यू हैव टू पुट मल्टीप्लेक्स में, तो और सारे मल्टीप्लेक्सेस बनेंगे, हम लोग का बिजनेस बड़ा होगा, हम लोग की टिकट का आवक बड़ा होगा जैसे तेलुगु इंडस्ट्री का है, और हम लोग फिर अच्छी फिल्में बनाएंगे, क्यों नहीं है। जब हम बड़ी दूसरी इंडस्ट्री में काम करके इतना नाम कर रहे हैं, हम श्याम बेनेगल और मणिरत्नम साहब के साथ हम काम करते हैं, तो वही परफॉर्मर मैं हूँ, मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। दिनेश बाबू इतने सालों से सुपरस्टार हैं, ये भी आतंक, तो वी ऑल वेटिंग, बट ऐसा हमको भी सैराट बनाना है, और वो तड़प है, वो एक आक्रोश भी है अंदर, वही लेके हम लोगों ने इंडस्ट्री बनाई थी। बस एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। ऑफ कोर्स यस, दैट्स सो नाइस। बट आप लोग क्या कहना चाहेंगे, दो दिग्गज आपके लेफ्ट राइट में बैठे हुए, दोनों राइट लेफ्ट में ही बैठे हुए, एक दिलीप कुमार एक राजकुमार, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है आपको इन दोनों के साथ? पहले तो आपने दिनेश के साथ काम कर चुके हो, तो रवि जी भी जुड़ रहे हैं, तो कितनी खुशी हो रही है और कितनी उम्मीद है और कितना एक्साइटेड है? बहुत खुश हूँ, दोनों लोग बेस्ट हैं, तो बेस्ट अगर मिले तो खुशी अपने आप दुगनी हो जाती है। पहले तो इनके साथ ही बनाए थे, फर्स्ट शुरुआत ही किया था, मेरे राइटिंग में भी रवि सर हीरो थे, और फर्स्ट ब्रेक किया फिर तो रवि सर। ये बोलते कम है, ये लिख के मारते हैं। ये वो इनका कहना यही रहता, हम लोग इनसे पूछते हैं कई बार कि जब आपसे पूछा जाता है तो आप बोलते क्यों नहीं है, तो ये कहते हैं कि जिसका काम बोलता है उसको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम लोग मानते हैं इस बात को, इनका काम निश्चित रूप से बोलता है, क्योंकि करीब 10-15 साल से हम लोग साथ में जुड़े हैं, और जितनी फिल्में इन्होंने लिखा है, अब तो डायरेक्शन में अभी आए हैं, जो भी फिल्में इन्होंने लिखा है, फिल्मों ने पूरे सिनेमा को बदल दिया। एक दौर ऐसा चला आ रहा था जब एक ही तरह की फिल्में बन रही थी और उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा था, तो वो संतोष जी ही थे जिन्होंने उसमें बदलाव लाया, और आज भी ये बदलाव के लिए तैयार रहते हैं। आप देख सकते हैं कि आज जब सभी लोग मसाला फिल्में बनाने के पीछे भाग रहे हैं, सब लोग ऐसा सोचते हैं कि 3 दिन में हम कैसे पूरी फिल्म की रिकवरी कर लें,
ऐसे समय पे संतोष जी एक ऐसी फिल्म बनाने के बारे में सोच रहे हैं कि भारत स्वच्छ होगा, हम इसे स्वच्छ करेंगे, आप आए या ना आए हम तो करने चल दिए। तो रवि जी, दो दिन पहले ही आपने बयान दिया था कि स्वच्छ भारत अभियान को लेके मैं आगे बढ़ाऊंगा अपने फिल्म में, इस तरीके का सीन होगा, तो क्या यहाँ देखें? जी हमने और कोंकणा जी और अमित जी एक अभी ऐड किए हैं प्रधानमंत्री साहब की कंगना रनौत, हाँ डोंट लेट हर गो, तो कंगना जी वगैरह हमने ऐड किया, बड़ा पॉपुलर हो गई वो ऐड और प्रदीप दादा ने उसको डायरेक्ट की थी। यस डेफिनेटली स्वच्छ अभियान बहुत ज़रूरी है, हम भारत को साफ होना बहुत ज़रूरी है, गंदगी बहुत है और उससे हैजा मलेरिया और बहुत सारी मौत मृत्यु होती है, हम लोगों को सफाई रखना, और अभी बहुत असर भी हो रहा है, अभी हम लोग पहले उठा के कुछ भी सामान फेंकते थे, अभी हम लोग दो बार सोचते हैं हर आदमी, तो अभी ये दो चार साल में हमको लगता है कि इंडिया में बहुत सारी सफाई होगी और बहुत ज़रूरी है, इंडिया हैज़ टू बी क्लीन, बिकॉज हम जब ट्रैवल करते हैं अब्रॉड, अभी मैं सिंगापुर में था, वहाँ पे आप एक कचरा फेंकते हो $500 आप पे चार्ज होता है, च्युइंगम खाओ या सिगरेट पियो, सो ये थोड़ा सा फर्म और थोड़ा स्ट्रिक्ट भी हो जाए ये सब चीज़ों को लेके, तो हम अपना देश बहुत सुंदर देखेंगे और ये मुझे लग रहा है। इससे बड़ी और अद्भुत बात और कुछ नहीं हो सकती कि हम इतने बड़े बैनर के साथ काम कर रहे हैं और कोलैबोरेट करने का मौका मिला है, तो हम सबको बहुत थैंक्स करना चाहते हैं कि हमें एक मौका मिला गया है ऐसा, तो बहुत एक्साइटेड है ये प्रोजेक्ट को। रवि जी, अंदिना जी, एक आखिरी सवाल ये कि अभी भी बात हुई कि अगर कोई ऐसी स्क्रिप्ट आती है तो प्रियंका जी भी इस फिल्म इंडस्ट्री की उसको इंडस्ट्री में काम करने को आप लोग भी ऐसा चाहेंगे? यस, आपके साथ पार्ट हो वो। अरे वाह, हम दोनों रहेंगे और रहेंगी तो मतलब आतंक हो जाएगा। हाँ, मतलब इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। हाँ, हम लोगों के लिए, हम दोनों मतलब रहे तो मतलब आतंक हो जाएगा और पूरा विश्व जानने लगेगा, हम लोग के फिर फैन फॉलोइंग न्यूयॉर्क में भी हो जाएगी। चलिए, आई होप कि ऐसा एक दिन होगा। होगा होगा, व्हाई नॉट, ये आज ये हो गया, ये हमारे लिए क्वाइट सरप्राइजिंग रहा, सच बताएं पंडित जी, ये मेरे लिए, हम लोग सोचते हैं, रोज़ नाचते थे हम लोग, जहाँ मिलते थे नाचते थे कि वहीं भड़ास निकाल ले, लेकिन ऐसा हम ना मालूम रहे कि ऐसे इन कॉम्बिनेशन, हम इनसे पूछे कि इनके मालूम हो कि नहीं, हम पूछत रहता हूँ। नहीं नहीं, बहुत चला, धन्यवाद।